हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं बोट स्टोन 352 ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई, जैसे कि आपने देख लिया अनबॉक्सिंग, अब बात करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की। ये ब्लूटूथ स्पीकर आता है 10 वाट स्पीकर के साथ में, और इसमें आपको 2200 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 12 घंटे तक प्लेबैक कर सकती है अगर आप इसको 60% की वॉल्यूम पे यूज करते हैं। इस ब्लूटूथ स्पीकर को फुल चार्ज करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। इसमें आपको IPX7 वाटर रेसिस्टेंट दिया गया है, यानी कि इसको आप पूल पार्टी वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। थोड़े बहुत पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, तो किसी भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करके म्यूजिक सुन सकते हैं। ऑक्स इनपुट और TFT कार्ड का भी इनपुट स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसके थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। वेट की बात करें तो लगभग ये 550 ग्राम के आसपास होता है। इसमें आपको TWS फीचर भी मिल जाएगा, तो दो स्पीकर को एक साथ कनेक्ट करके और भी बेहतर साउंड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। करंट टाइम प्राइस की बात करूं तो ये मुझे Amazon पे 1699 रुपीज का पड़ा है। हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखें इसका प्राइस कम या ज्यादा हो गया हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिए इसका करंट टाइम प्राइस। और परचेस करना चाहते हैं तब भी जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे परचेस लिंक को यूज करके इस ब्लूटूथ स्पीकर को परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल ब्लूटूथ स्पीकर की बात करें तो ये काफी अच्छा और हैवी लगता है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी अच्छी है। स्पीकर के दोनों ही तरफ आपको बेस रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, और स्पीकर के चारों तरफ आपको मेट ग्रिल डिजाइन फैब्रिक मटेरियल देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक और सिलिकॉन से बनी हुई है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। स्पीकर के एक साइड में आपको सारे फिजिकल बटन्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड प्ले एंड पॉज का बटन देखने को मिल जाएगा। दूसरे साइड आपको इस तरह का एक रबर कैप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे कनेक्टिविटी पोर्ट जैसे कि ऑक्स इनपुट, TFT इनपुट और USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप चार्ज भी कर सकते हैं किसी भी मोबाइल चार्जर के थ्रू। तो ये तो हुई इसके स्पेक्स एंड स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस, यानी कि इस ब्लूटूथ स्पीकर से हमें कैसा साउंड सुनने को मिलता है। तो चलिए करते हैं इसका साउंड टेस्ट। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now. यहाँ पर इसका जो है आपने साउंड टेस्ट सुना। मेरा एक्सपीरियंस इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कैसा रहा? तो भाई, इस ब्लूटूथ स्पीकर से काफी अच्छा साउंड आपको सुनने को मिलता है। बेस की थोड़ी सी कमी मुझे लगी, जबकि यहाँ पर आपको दोनों ही तरफ बेस रिफ्लेक्टर मिला है। बेस की कमी थोड़ी मुझे लगी क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइड बेस रिफ्लेक्टर दिया है, तो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बेस थोड़ा सा मुझे सुनने को मिलेगा। मगर यहाँ पर जो बेस की थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हुई, जो कि थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए। इस ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू आपको मिड्स और हाई काफी अच्छे से बैलेंस आपको सुनने को मिलते हैं। वोकल की क्लैरिटी और ट्रिबल काफी अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है, तो इस ब्लूटूथ स्पीकर से म्यूजिक सुनते वक्त वो आप महसूस कर सकते हैं। 100% के वॉल्यूम में भी यहाँ पर आपको किसी तरह का साउंड का डिस्टॉर्शन सुनने को नहीं मिलता है। सो गाइस, ये था बोट स्टोन 352 ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।